क्या क्या किया है आपने शिल्पी राज के साथ? अब शादी किया उसके बाद पूरा जीवन। कितना दिन आपके साथ रही शिल्पी राज शादी के बाद? हम लोग का रिलेशनशिप रहा 6-7 साल। उसके बाद क्या अचानक हुआ कि आप लोग का रिश्ता टूट गया? अचानक ऐसा एक मोड़ आ गया जिससे मेहंदी मेहंदी। अभी किसके साथ रह रही है शिल्पी राज? अभी तो विजय चौहान के साथ। अच्छा, विजय चौहान कौन है? विजय चौहान एक गायक है, उनके साथ रहते हैं। क्या उनका क्या रिलेशनशिप है शिल्पी राज के साथ? ये तो वही बताएंगे। पहले तो हम सुने थे कि वो भाई बहन थे, हमारे देखने में नजरिया में भाई बहन। आप कह रहे थे कि आपकी बहुत सारे पैसे खर्च हो गए शिल्पी राज के पीछे, कैसे? किसी एक कलाकार को बढ़ाने के लिए आप लोगों को पता होगा कि क्या से क्या करना पड़ता है। क्या क्या किया आपने? मेरा तो पहले दुकान था, दुकान तक बंद हो गया। फिर लेके यहाँ जाना वहाँ जाना, 4 साल लेके पटना रहा है। पैसे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया। कितना पैसा खर्च किए होंगे अभी तक? अरे अभी तक तो इस तरीके से जो है तो 15-20 लाख ऐसे ही चले गए होंगे। तो महिला विकास मंच में क्या गुहार लगाने आए थे? वही गुहार लगाने की मेरे साथ इंसाफ हो, न्याय हो। और दीदी बिना दीदी ने मुझे कहा कि आपके साथ इंसाफ होगा और हम दिलाएंगे इंसाफ। अच्छा, महिला विकास मंच तभी न्याय दिला सकता है, कोई आपके पास एविडेंस हो, कोई प्रूफ हो तभी ना? हाँ, कोर्ट कचहरी जाइएगा, कोई प्रूफ मांगेगा, कोई भी लोग। आपके पास कोई प्रूफ है दिखाइएगा। हमारे पास जो भी प्रूफ है हमने दीदी को दिखाया है। कैमरा पे दिखाना चाहिएगा, श्रृंगार फोटो सारी फोटो है। क्या सोशल मीडिया पे फोटो वायरल है आपका और शिल्पी राज का, शादी वाला कुछ फोटो है, साथ में सोए हुए भी फोटो है, उन सबकी क्या सच्चाई है? वो तो रियलिटी है सामने आपके। क्या मदद मांगने के लिए महिला विकास मंत्री पहुँचे हैं आज आप? मदद ये चाहते हैं कि मेरे साथ इंसाफ हो। हमारे लिए मेरे पास क्या इंसाफ मांगना चाहते हैं? मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, हम दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, मेरे पास कोई नौकरी नहीं। यानी आपको रोजगार चाहिए, शिल्पी राज नहीं चाहिए? शिल्पी राज आए मेरे साथ रहे, बिल्कुल रखेंगे। दोनों 6 साल से आपका शादी हुआ था, अभी तक आपकी आवाज क्यों नहीं उठाया? नीचे आवाज उठाए, कितने चैनल पे इंटरव्यू देते हैं, लेकिन इंटरव्यू एक तरफ से लिया जाता है, दूसरी तरफ नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से लोगों का मुद्दा बंद हो जाता है। और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करेंगे कि आप लोग किसी का भी मुद्दा उठाइए तो एक पर्सन उठाइए तो दूसरे पर्सन के पास जरूर जाइए, ताकि उसका निष्कर्ष न हो सके, उसका हल निकल चले। हम अपने को नहीं, सबकी बात कर रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम देवरिया यूपी से। यूपी से वो मेरे गांव के बगल को। अच्छा, कैसे नहीं लगा कि हमको शिल्पी राज धोखा दे सकती है, क्योंकि आपने इतना खर्च किया, आपने पूरा मेहनत किया? ऐसा लगा होता तो हम ऐसा करते हैं। 2015 में मेरा बीकॉम फाइनल था, हम एमकॉम की तैयारी करते हैं, इस लाइन में क्यों आए होते? सर, उस बीच में आपकी माँ का देहांत भी हुआ था, उस सारी चीजों को देखते हुए तो आप काफी ज्यादा दुखी थे, और इस बीच में आपके माताजी देहांत हो गए, सारा फ्रस्ट्रेट में। क्या वही कहानियां था जो आपके माताजी गुजर गए? माताजी को ब्लड कैंसर था। दुख इस बात का है कि माताजी की उस मुश्किल घड़ी में भी हम उनके साथ नहीं थे, शिल्पी को लेकर के हम पटना में थे, माताजी का इलाज उधर चलता रहा, हम इधर उनका करियर के पीछे भागते रहे। अच्छा। इस चीज का पछतावा है कि उस मुश्किल समय में हम अपने माताजी को साथ नहीं दे पाए और उनका सेवा नहीं कर पाए। अच्छा, आपकी माँ जब गुजर रही थी उस टाइम शिल्पी राज के लिए भी कुछ कहे थे, क्या बोले थे आपकी मम्मी की बहू है वो? वो हम जब भी फोन करते थे मम्मी हम आ रहे हैं आपके पास, मम्मी बोलती थी कि बहू ऐसा है कि एक दिन भी तुम आओगे तो फिर उसके करियर में दिक्कत आएगा, आप आ रहे हो, मेरा इलाज चल रहा है। अच्छा विवेक जी, आपको क्या लग रहा है आपके दोनों रिश्ते में कौन सा दरार पैदा कर रहा है, कौन सा वो आदमी है? मैं हमारे रिश्ते में तो दूसरा कोई है नहीं, विजय चौहान है और अभय भैया। अभय भैया कौन है? अभय पांडे इस समय शिल्पी राज का मैनेजर है। अभी एक साल पहले 27 जनवरी को मेरा ऑपरेशन हुआ था। कैसा ऑपरेशन? पथरी का। उस समय हम अभय भैया को फोन देखे थे, अभय भैया मिलिए मेरा ऑपरेशन हुआ है, हम हॉस्पिटल में बड़ौलगंज। उस समय वो कह करके नहीं आया, हमने उनको बुलाया था। तो अब लड़ाई लंबी चलने वाली है क्या विवेक पटेल का शिल्पी राज के साथ? अब देखिए, अब दीदी कहाँ तक मुझे पहुँचाती है। तो क्या आपको शिल्पी राज चाहिए, क्या चाहिए आपको? हमको न्याय चाहिए, जिस तरीके से। कैसा न्याय चाहिए? न्याय में मुझे नहीं तो शिल्पी राज मेरे पास आए, हमने शिल्पी राज को रखिएगा। हाँ, आपको आरोप है कि इतने दिन से वो विजय चौहान के साथ है, तो क्या अब आप रखिएगा? जरूर रखेंगे, गाना गाएंगे, करियर खड़ा किया तो मेरा भी तो योगदान है, उसमें मेरा भी तो हक है। हमने लेके इतना साल ढोया है, इतना सारा कुछ किया है, ये सब पूरा पब्लिक जानती है, पूरा स्टूडियो जानता है, पूरा इंडस्ट्री जानता है, तो मेरा भी तो हक हुआ। अच्छा, शिल्पी राज कर रही कि विजय चौहान स्टार बनाया? विजय चौहान स्टार बना तो विजय चौहान लेके घूमे होते ना, उनके गाने से तो नहीं हो जाएगा। विजय चौहान से पहले भी स्टार बन चुकी थी, कई गाने हिट हो चुके थे। नहीं, ऐसे नहीं है। अगर शिल्पी राज का सोलो गाना बजा तो पहले VR म्यूजिक पे बजा, आप लोग सर्च कीजिए VR चैनल पे, अर्जुन रजनी का लिखा हुआ 5-6 गाने सोलो मिलियन में गए, चैनल खड़ा हुआ। उसके बाद विजय चौहान देखे कि शिल्पी का गाना बज रहा है, उसके बाद विजय चौहान गाना लिखना स्टार्ट किए। आपका और विजय चौहान का रिलेशन क्या है? मेरा विजय चौहान का रिलेशन भाईचारा था जी। हाँ, एक साथ रह सकते हैं, 8 साल बाद स्टूडियो पर हम लोग आए, एक साथ रहे भाई जी। कभी क्या शिल्पी जी को विजय चौहान के स्टूडियो पर भी लेकर गए थे गाना गवाने?
तो विजय चौहान का स्टूडियो कहाँ है भैया? वो तो आर्य शर्मा के रिकॉर्डिस्ट थे, आर्य शर्मा के हम गाते थे। देखिए आप और शिल्पी राज जब रिलेशन में थे तब क्या विजय चौहान आप लोग के बीच में आते थे? हाँ आते थे, रहते थे, तो हम लोग का रहना सहना तू सोना बैठना सब देखे हैं। उसमें आपका शंका नहीं हुआ कि विजय चौहान बाहर भाला फुसला के ले जा सकते हैं क्या? अगर उससे शंका होता तो पहले हम वो नहीं कर लेते। हमको लगा भाई बहन है तो मुझे क्या पता कैसी मोड़ आ सकती है।